तैयार, कल का इंतजार। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पे कल सुबह आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। 40 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बाकी प्रत्याशियों के नाम भी तय हो चुके हैं। पहली लिस्ट में कांग्रेस के सभी आला नेताओं के नाम शामिल है, ज्यादातर मंत्रियों को भी टिकट मिलेगा। बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है अपनी दो लिस्ट और दो चरण में चुनाव होना है। 7 और 17 नवंबर को वोट कास्ट होगा। तो कल नवरात्रि, अब फेस्टिव सीजन का आगाज कल से होने जा रहा है और कल कांग्रेस भी अपने लिस्ट को जारी करने के बाद श्री गणेश कर रही है। तो सभी को इंतजार है, दावेदारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। कल सुबह करीब 9 से फर्स्ट हाफ में टिकट आने की लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही। और देखिए, नवंबर में दो फेज में चुनाव होना है। 7 तारीख को जो है 20 सीटों पर वोट कास्ट किया जाएगा। पहले चरण में बस्तर संभाग होगा और राजनांदगांव का कुछ इलाका। और कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहली लिस्ट जारी होगा। तो पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा तब करती है जब लिस्ट जारी हो जाती है। तब समय बहुत कम बचा है, 24 घंटा से कम समय है। और लिस्ट जारी होगा तो पता चलेगा कि कौन होगा रमन सिंह के सामने। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट, जो संभावित नाम है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाटन से सीएम बघेल के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा। ये की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पाटन हॉट सीट है और अंबिकापुर डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव पर भरोसा जताया जा सकता है अंबिकापुर से। और वही शक्ति की बात की जाए तो डॉक्टर चरणदास महंत पर भरोसा जताया जा सकता है। और अगला जो नाम है गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण या फिर बेमित्रा से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। साझा की बात की जाए तो रविंद्र चौबे, ये भी अपने आप में हॉट सीट है। साझा से एक बार फिर से रविंद्र चौबे पर भरोसा जताया जा सकता है। आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर दाव खेला जा सकता है। और डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया पर भरोसा जताया जा सकता है, एकमात्र महिला जो कैबिनेट में शामिल है, भूपेश कैबिनेट में। और सीतापुर से अमरजीत भगत पर दाव खेला जा सकता है। तो एक एक करके जो संभावित सूची है वो हम आपको बता रहे हैं। और वही बात की जाए कोरबा से तो जयसिंह अग्रवाल पर भरोसा जताया जा सकता है। तो देखिए, किसे टिकट दिया जा सकता है, किस पर दाव खेला जा सकता है, वो जो संभावित नाम है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खरसिया से उमेश पटेल पर भरोसा जताया जा सकता है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट नाम। और गुरु रुद्र कुमार जो भूपेश कैबिनेट में मंत्री हैं, अहिवारा से या फिर नवागढ़ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।